हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में ये तमाम फॉर्मूले आपको दिखाऊंगा विद शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की के थ्रू ये फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, यानी टोटल हमें शॉर्टकट की के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए जितने हिस्से में आपको क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और आपको कीबोर्ड से क्या करना है, प्रेस करना है पहले अल्ट। ठीक है, अल्ट प्रेस करते ही ये मेन्यू हाईलाइट हो जाएगी। अब देख सकते हैं हमें जाना है होम टैब पर, तो एच प्रेस कीजिए और जैसे ही एच प्रेस करते हैं तो अब आपको यहां पर ये देखिए ये सिग्मा का जो बटन है, यहां पर जाने के लिए आपको क्या करना है, यू प्रेस करना है। तो यहां यू प्रेस कीजिए और सम करने के लिए एस प्रेस कीजिए और देखिए सबका सम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर ये सम हो चुका है। अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका इक्वल टू लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट यहां पे एफएक्स पे क्लिक करके भी जा सकते हैं या फॉर्मूला बार पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है, वो क्या है, आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और जहां पर टोटल चाहिए वो भी हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप एक और शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अल्ट के साथ इक्वल टू, तो भी ये टोटल होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे ये टोटल करना विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। ठीक है ना,